हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएन एकेडमी। और हम चर्चा करेंगे आज हिस्ट्री को, एक स्टार्टिंग से चर्चा करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास से हम मध्यकाल, मध्यकाल के बाद में आधुनिक काल के संदर्भ में हम लोग चलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अलग अलग चैप्टर को हम फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार हमारे जो शेड्यूल है वो तैयार हुआ है। और हर दिन इस प्रकार से क्या होगा, चैप्टर को अलग अलग एक एक चैप्टर को लेते चलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी जुड़े रहेंगे क्योंकि हर चैप्टर, हर दिन में अलग अलग चैप्टर्स आते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज जो डिसाइड किया गया है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को चालू करेंगे। और ये है आपके हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके कारण क्या है, नाम के पीछे क्या कारण है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम के पीछे कारण ये है कि हड़प्पा नामक जो प्लेस है वो सबसे पहली प्राप्त की गई थी, उस जगह की सबसे पहली खोज की गई थी, इसीलिए इस नाम के पीछे कारण है कि हड़प्पा नामकरण पड़ा था और हड़प्पा सभ्यता का नाम इसीलिए पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले इस सभ्यता के संदर्भ में ये क्या क्या हमारे जानने के स्रोत हैं उसको समझते हैं। देखिए, कई सारे अध्ययन के स्रोत हैं जिसमें महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं दो प्रमुख स्रोत होते हैं, और इसमें एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है। जिसमें साहित्य स्रोत का अभाव है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम जैसे पढ़ते हैं ऑनली, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम देखते हैं कई प्रकार के मुहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, कई प्रकार के एक प्रकार से देख सकते शवाधान की पद्धति प्राप्त हुई है, कई सारे अलग अलग चित्रात्मक लिपि से प्राप्त हम देखते हैं। तो लिपि को हम पढ़े नहीं हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ के लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन जो प्राप्त हुई हैं साक्ष्य, उसके आधार पर ये बताया जाता है कि अलग अलग जो प्रविधि हैं, विधि हैं, उन सभी के आकार को हम एक प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या इसमें प्रमुख स्थल हैं उनके चर्चा करेंगे, और विशेषताएं क्या क्या हैं उन सभी को, विशेषताओं को आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता को चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम कई सारी विशेषताएं हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की, उसको भी हम चर्चा करेंगे, और इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को समझेंगे कि इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आज, सबसे पहले एक स्थल है, इसमें 10 प्लेस को मैं इसमें डिसाइड करके रखा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो यह सबसे पहले देखिए, ये हड़प्पा एक प्लेस है। हड़प्पा जो प्लेस है वह 1921 में सबसे पहली बार खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। यह हड़प्पा जो प्लेस है वह रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है यह प्लेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा जो प्लेस है। तो इस स्थल पर कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, जैसे इसमें स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो स्ट्रक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसमें नगर नियोजन का जो व्यवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। यहाँ हम देख सकते हैं हड़प्पा नामक जो प्लेस था वह सबसे महत्वपूर्ण प्लेस था, और यहाँ से टीले प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दयाराम साहनी जब गुजर रहे थे तो उस समय उनको पता चला कि यहाँ पर टीला है, तो उसको खुदाई करना आवश्यक समझा, तो इसलिए उन्होंने उस पर खुदाई की और इसे कई सारे साक्ष्य मिलने लगे। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस के रूप में हम देखने को मिलता है। हड़प्पा जो प्लेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं यह एक प्लेस है मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण प्लेस है। इसके देखें तो मोहनजोदड़ो को यहाँ पर विशाल रूप से अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार का मतलब यह होता है यहाँ पर अन्न रखने का एक प्लेस होता है, उसे अन्नागार कहते हैं। तो पहले क्या होता था, चबूतरों पर रखा जाता था, पहले चबूतरे पर बनाए गए, यहाँ से चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। चबूतरों के साथ साथ में बाद में क्या कर दिया गया, अन्नागार बनाया गया, घर में ही अन्नागार के रूप में व्यवस्थित होता था, यहाँ पर बनाए गए थे, जो कि महत्वपूर्ण है। यहां 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान यहां से प्राप्त हुए हैं। घर के जो छत हैं वे एक प्रकार से छप्पर के बने होते थे। जो मुख्य द्वार होता था वह किसी गली से सटा हुआ होता था। मुख्य सड़कों पर यह एक प्रकार से देखें दरवाजे नहीं खुले होते थे। तो कई सारे की विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घर में आंगन होता था। ये जो हड़प्पा के जो सुव्यवस्थित सड़क व्यवस्था है, नहरें हैं जो कि इस प्रकार से नगर है, और नालियाँ हैं जो बहुत ही सुव्यवस्थित है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण प्लेस है, जो कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसे खोज किया गया था।
ठीक है। यह जो यह मोहनजोदड़ो का जो प्लेस है वह आपके सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण प्लेस है, जहाँ पर मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब यह है कि कई सारे मृतकों का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस जगह को मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया है। ठीक है, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो, जिसको आप लोग पता होगा, जिसमें इसी सभ्यता के कुछ पहलुओं को दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से छाप नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन जो इसको दिखाने के एक प्रयास किया गया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर दिखता है, एक लोथल है, लोथल महत्वपूर्ण प्लेस है। यह देख सकते हैं कि यह एक गुजरात में अवस्थित है, गुजरात के वर्तमान में देख सकते हैं लोथल है। और लोथल जो प्लेस है 1957 में पहली बार खोज किया गया था, 1957 में लोथल खोज किया गया, भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। एस आर राव ने इसकी खोज की थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी देशों के साथ में इनका व्यापारिक संबंध था, इसलिए ऐसा प्राप्त दिखाई पड़ता है। यहाँ से इस प्रकार से पुरातात्विक शोध की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हाथी दांत के भी जानकारी मिलती है, जो कि व्यापारिक रूप से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ में सेलखड़ी जैसे मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं, जो कि लोथल के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। हम एक प्लेस देखेंगे जिसे कहते हैं कालीबंगन, और कालीबंगन का जो इम्पॉर्टेंट रोल है उसको हम समझते हैं। कालीबंगन जो प्लेस है वह इम्पॉर्टेंट है। यह जो प्लेस है वह लाल एवं घोष ने इसकी खोज की थी और 1953 में खोज की थी। यह कालीबंगन घग्घर नदी के पास में अवस्थित है। एक प्रकार से देखा जा सकता है कालीबंगन से कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, और इन साक्ष्यों में देखें तो कालीबंगन का मतलब अर्थ होता है कालीबंगन, काले कलर की बंगन मतलब चूड़ियाँ, काले कलर की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, इसलिए इस प्लेस का नाम कालीबंगन के नाम से पड़ा है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे चन्हूदड़ो एक महत्वपूर्ण प्लेस है, जो कि 1931 में इसे खोज किया गया था मजूमदार के द्वारा, और यह चन्हूदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मनके के कारखाना प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ में इस जगह से प्लेस से पता चलता है कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली को दौड़ाते हुए एक ईंट में एक निशान है, उस प्रकार से साक्ष्य भी इस प्लेस से मिलता है। ओके, हम देखते हैं एक पूर्ण प्लेस है बनावली, और बनावली के जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के पास में अवस्थित यह महत्वपूर्ण प्लेस है, और ये हिसार जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो बनावली से भी कई सारे साक्ष्य को प्रमाण मिलता है। इस तरह से एक रोपड़ एक प्लेस है, रोपड़ प्लेस जो कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हुआ था कि स्वतंत्र भारत के पश्चात में पहली ऐसा प्लेस है जिसका खुदाई प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए रोपड़ नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह वर्तमान में देखें तो आपके पश्चात पंजाब वाले क्षेत्र में रीजन में दिखाई पड़ता है, और पंजाब के जो सतलज नदी है उसके किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, ये रोपड़ इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं धौलावीरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा में देख सकते हैं, धौलावीरा का मतलब होता है धौल मतलब स्वच्छ, वीरा मतलब कि कुआं, तो इस प्रकार से होता है धौलावीरा मतलब स्वच्छ जल का कुआं यहां से प्राप्त हुआ है। और यहां जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखें तो इसमें किसी प्रकार का दुर्ग और निचला शहर का इसमें विभाजन नहीं हुआ था, और सिंगल एकल विभाजन के आधार पर इसे देख सकते हैं, इस नगर व्यवस्था को बहुत ही सुव्यवस्थित था। सुरकोतड़ा एक महत्वपूर्ण प्लेस है, सुरकोतड़ा से हमें जानकारी मिलता है कि यहां से घोड़े के अस्थि की साक्ष्य मिले हैं, अर्थात घोड़े के साक्ष्य मिले हैं इस सुरकोतड़ा नामक प्लेस से। एक प्लेस है जिसे कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का मतलब यह है कि आलमगीर पर उत्तर प्रदेश के प्लेस में यहाँ पर मिलता है, एक महत्वपूर्ण खनन का स्थल है, जहाँ से खनन के पश्चात में साक्ष्य मिलता है कि यहाँ हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित ये प्लेस है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में एक तरह से देखें पूर्वी विस्तार के रूप में देख सकते हैं, तो सबसे बाद में उत्खनन कार्य किया गया आलमगीरपुर को। यह इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि हड़प्पा नगर में सभ्यता में देखने को मिलती है। इसके बाद हम आप पहुँचते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं, हड़प्पा नगर जो व्यवस्था था वह कैसे था, किस प्रकार से इसकी विशेषताएँ हैं उसको चर्चा हैं।
देखिए इम्पॉर्टेंट है इसके, मैं आपको बता दूं कि ये है नगर नियोजन। सबसे पहली विशेषता है नगर नियोजन। क्या होता है नगर नियोजन? देखिए नगर नियोजन के संदर्भ में देखिए, यदि हड़प्पा नगर को, तो यह सुव्यवस्थित था और यह जो सड़कें होती थी उत्तर से दक्षिण की ओर नगर की जो खुलती थी, प्रमुख द्वार थे और इसमें उत्तर पूर्व से पश्चिम एक जो प्रमुख रूप से सड़कें विभाजित करती थी, जिसे ग्रिड सिस्टम के नाम से जाना जाता था, जिसे समकोण पर आधारित था। इस प्रकार से देख सकते हैं, यह इस प्रकार से विभाजित होती थी, समकोण पर विभाजित करती थी, काटती थी और इसी सिस्टम को ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से नगर व्यवस्था, सड़कें इस प्रकार से व्यवस्थित होती थी। यहाँ पर देखेंगे नगर व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो निर्माण किया जाता था, अलग अलग नालियाँ होती थी, सड़कों के किनारे किनारे पर नालियाँ होती थी, इस प्रकार से व्यवस्थित होते थे और काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इसको सजाया जाता था। ठीक है, तो ये नालियाँ होती थी वो ढके होते थे, पक्के मतलब ईंटों से बने रहे होते थे और इस प्रकार से व्यवस्थित थी। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं ये नगर भवन निर्माण, भवन निर्माण के संदर्भ में देखें तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें मंजिला, दो मंजिले, तीन मंजिले के भी भवन होते थे। इसमें आंगन की व्यवस्था होती थी, कई सारे बरामदे होते थे और कमरे होते थे। तो इसमें दो मंजिला, तीन मंजिला में एक प्रकार से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। इसका जो भवन निर्माण होता था उसमें देखेंगे तो यह मुख्य जो सड़कें होती थी, उस मुख्य सड़कों पर इनका जो प्रमुख दरवाज़ा होता था वह नहीं खुला होता था, वह किसी भी गली पे एक जाना पड़ता था और गली की ओर उसके दरवाज़ा होते थे। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थित था, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको सजाया जाता था, भवन निर्माण को। भवन में बहुत ही फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी। इसके जो छत होते थे उसमें छप्पर के होते थे, तो इसलिए काफ़ी कूल रहता था, वातावरणीय अनुकूलन के आधार पर था, तो बहुत व्यवस्थित था। ठीक है, तो ये आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देती थी। और आर्थिक परिदृश्य में देख सकते हैं, नाप तौल है, बाँट है, नाप तौल के लिए बाँट का प्रयोग किया जाता था। व्यापारिक संदर्भ में आयात निर्यात के साधन थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, ये सभी चीज़ें आर्थिक रूप से। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि रागी की जो फसलें होती थी वो दक्षिण भारत में उगाई जाती थी, उसी प्रकार से उत्तर भारत में देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि जौ और ये कपास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ की गई और यहाँ यूनानियों के द्वारा इस कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कपास की खेती, तब से हमारी प्रचलन जो अभी तक परंपरा जो चली आ रही है। ओके, सो इसके साथ देखते हैं हम सामाजिक परिदृश्य। सामाजिक जीवन के संदर्भ में देखें कि यहाँ के जो पद्धति थी, क्रियाकर्म थे, जो पद्धति थी, अलग अलग सामाजिक विचार जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लोगों के जो वातावरण था, जो अनुकूलन था, वह पर्यावरण के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इस तरह से सामाजिक जीवन इसमें अलग अलग थे। इसमें देख सकते हैं नगरों के विभाजन के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि इसमें सामाजिक जीवन, जो उच्च वर्ग के लोग थे वे दुर्ग में रहते थे, निचला शहर में जो आम लोग होते थे वे लोग रहते थे, इस प्रकार से व्यवस्थित दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ सामाजिक जीवन में हम देखेंगे कि अंत्येष्टि के अलग अलग प्रकार हैं। अंत्येष्टि में देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर फिर से देखेंगे अंत्येष्टि में, लेकिन सामाजिक जीवन के संदर्भ में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं धार्मिक जीवन। देखिए धार्मिक जीवन के संदर्भ में देखेंगे तो कई सारी चीज़ें मान्यताएं थी और यहाँ पर पूजा पद्धति की मान्यताएं थी, यहाँ पर कई सारी चीज़ें थी, मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, इसी प्रकार के स्त्रियों की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की इक्का गाड़ी, ये सभी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मातृदेवी की पूजा करते थे, शिव पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। धार्मिक रूप से इस प्रकार से जो पशुपतिनाथ थे उनका भी पूजा आचरण जो किया जाता था वो धार्मिक पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। शिव पशुपत ये बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके साथ ही साथ अन्य विशेषताओं में चर्चा करेंगे तो अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखें तो ये महत्वपूर्ण है। लिपियाँ, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी और इस पे या लिपि जो थी वह चित्रात्मक थी, अर्थात ये था कि जो लिपि था वह पढ़ा नहीं गया था, अर्थात चित्रात्मक रूप से हम पहचान सकते थे इसको किस प्रकार की लिपि है, और लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं तो इसको देख सकते हैं। अंत्येष्टि की जो पद्धति थी वह सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन प्रकार के अंत्येष्टि का प्रकार होता था, एक शवाधान होता था, एक आंतरिक एक पूर्ण शवाधान होता था, एक आंशिक शवाधान होता था, ठीक है, और एक होता था
देख सकते हैं, युग्म सावधान कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की होती थी। इस पूर्ण सावधान में पूरी तरह से जला दिया जाता था, ठीक है, एक व्यक्ति को मृतक स्वरूप के रूप में, संस्कार के रूप में। आंशिक सावधान में है, पहले इसको कुछ समय तक दफना जला दिया जाता था, फिर उसके बाद दफना दिया जाता था, उसको कहते हैं आंशिक सावधान। फिर हम देखेंगे युग्म सावधान। युग्म सावधान के संदर्भ में देखेंगे तो मतलब ये है कि कुत्ते के साथ में एक मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंस है। जैसे लोथल से प्राप्त एक सावधान के युग्म सावधान के रूप में देख सकते हैं। तो युग्म सावधान का मतलब है ये दो के साथ में एक बार सावधान किया जाना, तो युग्म सावधान को ये इंडिकेट करती है। इस प्रकार से हम देखेंगे यह परिवहन के दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर आंतरिक परिवहन भी होता था और स्थलीय परिवहन के संदर्भ में देखेंगे इसमें अलग अलग। तो जल मार्ग भी परिवहन होता था और इस प्रकार से बैलगाड़ी भी एक प्रयोग में होता था जिसका परिवहन के संदर्भ में देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में देखें तो यहाँ माप तौल की जो प्रणाली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दशमलव पद्धति प्रचलन में था, ठीक है, इसमें लोहे के ज्ञात नहीं था हमें। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो पूरी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी, यहाँ घोड़े का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, साथ ही साथ देख सकते हैं गाय के साक्ष्य मिलता है, कुबड़ वाले बैल का साक्ष्य मिलता है, गुजरात से प्राप्त हाथी एक प्रकार से हाथी दांत का साक्ष्य मिला है, क्योंकि माना जाता था गुजरात के क्षेत्र में हाथी का पालन किया जाता था। ये कई सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और हड़प्पा सभ्यता को एक वैश्विक सभ्यता की ओर ले चलती है, ठीक है। तो ये सारी सभ्यताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभ्यता, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर वैदिक काल, और इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।